नमस्कार दोस्तों, रंजीत तंजौर आर्ट में आपका स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं राम दरबार, राम सीता जी की पेंटिंग। ये तंजौर पेंटिंग है और छोटी पेंटिंग है, जैसे मंदिर की साइज की पेंटिंग है, जो छोटे मंदिर में लगाते हैं ना वो वाली। तो इसको फ्रेम होके लगभग 13 इंच हो जाएगी और वैसे अभी ये 10 इंच लंबी है, 10 बाय 7 है और लगभग 1.5 इंच की फ्रेम होगी इसमें। तो ये बहुत छोटी पेंटिंग है और पूरा राम सीता की पेंटिंग में डिटेल दे रखी है। अच्छा, इस तरह की पेंटिंग हम गिफ्ट के पर्पज भी बनाते हैं, किसी को अगर गिफ्ट देनी हो तो उनके इष्ट जो भी है उनकी भी पेंटिंग बनाते हैं, क्योंकि गिफ्ट पेंटिंग का देने से एक तो हमारा सनातन धर्म के भी मजबूत होगा और जब भी वो पेंटिंग को देखेंगे आपको याद करेंगे। कोई भी दूसरी चीज़ देने में, जैसे पैसे देने में खर्च हो जाते हैं, दूसरा सामान देते हैं तो थोड़े दिन यूज करके या वो भी आगे गिफ्ट देते हैं, और पेंटिंग गिफ्ट देने से हमेशा यादगिरी रहती है और एक हमारे सनातन संस्कार भी जीवित रहते हैं। तो इसमें बताना चाहता हूँ कि ये जो सबसे पहले कोई भी पेंटिंग हो तो हम स्केच करते हैं उसका, उसके बाद में इसका एम्बोज वर्क करते हैं। ये जो एम्बोज वर्क का ये उठा हुआ है, ये सारा एम्बोज किया हुआ है। उसके बाद में गोल्ड लगता है, और गोल्ड में भी थोड़ा बारीक काम होता है। गोल्ड में काम जब हम करते हैं तो कुछ शेडिंग भी लगाने होती है और कुछ बारीक आउटलाइन भी करना होती है। उसके बाद में कलरिंग का काम स्टार्ट होता है, और जब कलरिंग का काम होता है तो डिजाइनिंग है, ये माला बनाई है, इसके अलावा चेहरा बनाना, ये सब बाद में होता है। दोस्तों, हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी संस्कृति से जुड़ना चाहिए और आजकल ऐसा हो भी रहा है। सनातन हिंदू जग रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हर मीडियम से हो रहा है, तो हमको हर मीडियम से सनातन धर्म को मजबूत करना चाहिए। जैसे हमको भगवा ध्वज लहराना चाहिए हमारे घर के ऊपर, और साथ साथ जो मॉडर्नाइज हो रहा है सोसाइटी का, तो कोई भी ऐसे गिफ्ट नहीं देना चाहिए कि जिससे मॉडर्नाइज को बढ़ावा मिले। ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग को गिफ्ट देना चाहिए, और भगवान से रिलेटेड कोई भी, पेंटिंग ही जरूरी नहीं है, भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज़ गिफ्ट देना चाहिए। तो आप लोगों को भी अगर इस तरह की कोई पेंटिंग बनवानी हो, जो घर के मंदिर की पेंटिंग हो, होम टेंपल पेंटिंग हो, तो आप बनवा सकते हैं। और इसी साइज में साईं बाबा भी चल रहे हैं, तो ये कम से कम 4-5-6 पेंटिंग हैं, एक साथ मंदिर में लगेगी। मंदिर की कोई भी जो जगह होती है उस हिसाब से मेरे को नाप मिलता है और उस हिसाब से मैं बताता हूँ कि कितनी पेंटिंग उसमें लगेगी। और ये पूरी साउथ स्टाइल की पेंटिंग है, जो प्रॉपर तंजौर पेंटिंग होती है वही उसी स्टाइल की है। इसमें यही फ़र्क होता है कि जो नग लगते हैं वो चमकदार नहीं होते हैं, जरकन नहीं लगते, सिरोस्की नहीं लगते हैं, इसमें कुंदन लगते हैं, तो इसमें इतनी चमक नहीं होती। पर कई लोग चाहते हैं कि भाई हमारी पेंटिंग में चमक धमक नहीं हो, और कुछ लोग चाहते हैं कि भगवान को जितना सजाए संवारा जाए उतना अच्छा। तो अपनी अपनी चॉइस है, अपने अपने आस्था है। तो किसी को भी अगर इस तरह की पेंटिंग बनवानी हो तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9313224341। और
पेंटिंग सीखना भी हो इस तरह की, तो आप सीख भी सकते हैं। पूरे दिल्ली NCR में होम क्लास भी देता हूँ, साथ साथ मेरे यहाँ पे भी आके सीख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद।